हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पंकज सर। टुडे इन बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th वी विल डू एमसीक्यू क्विज ऑफ चैप्टर 12 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, डैश मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर पर्सनल यूज और hires or avails of any services for a consideration। ऑप्शन नंबर 1 कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर 2 मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन नंबर 3 ट्रेडर, ऑप्शन नंबर 4 सर्विस प्रोवाइडर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर पर्सनल यूज और hires और avails ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ consideration। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश implies safeguard against anti-consumer trade practices of producers and traders। ऑप्शन नंबर 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 redressal forum, ऑप्शन नंबर 3 national commission, ऑप्शन नंबर 4 none of the above। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्प्लाइज सेफगार्ड अगेंस्ट एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेफगार्डिंग बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर। ऑप्शन नंबर 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, ऑप्शन नंबर 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1990, ऑप्शन नंबर 3 कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1982, ऑप्शन नंबर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1991। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर्स बीइंग एग्जिबिटेड इन द पिक्चर ऑन योर राइट दिस पिक्चर। ऑप्शन नंबर 1 राइट टू चूज, ऑप्शन नंबर 2 राइट टू बी हर्ड, ऑप्शन नंबर 3 राइट टू सीक रिड्रेसल, ऑप्शन नंबर 4 राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग एग्जिबिटेड इन दिस पिक्चर इज राइट टू चूज। राइट टू चूज मीन्स कंज्यूमर शुड नॉट बी फोर्स टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज ही शी नॉट नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर राइट टू। ऑप्शन नंबर 1 राइट टू चूज, ऑप्शन नंबर 2 राइट टू बी हर्ड, ऑप्शन नंबर 3 राइट टू सीक रिड्रेसल, ऑप्शन नंबर 4 राइट टू सेफ्टी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर right to seek redressal। Next question, dash standardize mark on jewelry। Option number 1 ISI, option number 2 FPO, option number 3 CERC, option number 4 hallmark। Do you know the full form of ISI? ISI stand for Indian Standards Institution। FPO stand for follow on public offer, CERC stand for Central Electricity Regulatory Commission। Right answer is option number 4, hallmark standardized mark on jewelry। Next question, which one of following is not a consumer right?
ऑप्शन नंबर वन राइट टू सेफ्टी, ऑप्शन नंबर टू राइट टू सीक रिड्रेसल, ऑप्शन नंबर थ्री राइट टू गेट डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर फोर राइट टू बी हर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, राइट टू गेट डिस्काउंट इज नॉट अ कंज्यूमर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद ऑर्डर पास्ड इन द स्टेट कमीशन, ही कैन फर्दर मेक एन अपील इन द नेशनल कमीशन विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ, ऑप्शन नंबर वन 10 days, ऑप्शन नंबर टू 20 days, ऑप्शन नंबर थ्री 30 days, ऑप्शन नंबर फोर 40 days। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, इन अ केस कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद ऑर्डर पास्ड इन द स्टेट कमीशन, ही कैन फर्दर मेक एन अपील इन द नेशनल कमीशन विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर वन कंज्यूमर वॉइस, ऑप्शन नंबर टू कंज्यूमर फोरम, ऑप्शन नंबर थ्री द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन नंबर फोर कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, कंज्यूमर फोरम इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द रिड्रेसल एजेंसीज फॉर रिड्रेसिंग कंज्यूमर ग्रीवियंसेस, ऑप्शन नंबर वन कोपरा, ऑप्शन नंबर टू स्टेट कमीशन, ऑप्शन नंबर थ्री कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, स्टेट कमीशन इज वन ऑफ द रिड्रेसल एजेंसीज फॉर रिड्रेसिंग कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज। दोस हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्विज। थैंक यू।